we have to enjoy activity parasailing, jet ski, banana riding under sea wall, and chilling on the beach swimming. After that, we come back to Pattaya site for our lunch and fresh up and who need to do for the authentic massage tomorrow. Hello everyone, About Travel Info YouTube channel में आप सभी का स्वागत है. आज मैं लेके आया हूँ अपनी थाईलैंड ट्रिप का सेकंड ब्लॉग. इस ब्लॉग में मैं आपको अपनी थाईलैंड ट्रिप की आगे की जर्नी के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. मैं आया हूँ थाईलैंड के आर्ट पैराडाइज 3D म्यूजियम में, जो कि थाईलैंड का फर्स्ट 3D म्यूजियम है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम है. यहाँ पर आकर आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ब्यूटीफुल मेमोरी को कैप्चर कर सकते हैं. यह म्यूजियम बहुत ही सुंदर है और काफ़ी बड़ा है. आप देख सकते हो कितनी सुंदर यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि 3D इफेक्ट दे रही है. बहुत ही सुंदर म्यूजियम है. जब कभी भी आप थाईलैंड आए तो इस म्यूजियम में ज़रूर आए. उसके बाद अब हम चल दिए हैं अपने लंच की ओर. यहाँ पर हमारा लंच ऑर्गेनाइज था. लंच करने के बाद अब हम चल दिए होटल की ओर. यहीं पर हमारी बस लगी हुई है और पास ही में होटल है. अब हम जा रहे हैं होटल की ओर और शाम को हम जाएंगे अलकज़ार शो. यह शो थाईलैंड का बहुत ही फेमस शो है. इस शो के सारे आर्टिस्ट बहुत ही मेहनती हैं. जब कभी भी आप थाईलैंड आए तो इस शो को ज़रूर देखिए. इस शो में जितने भी परफॉर्मर हैं वो सारे लेडी बॉय हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ट्रिमेंडस है. कुछ ही मिनटों में शो स्टार्ट होने वाला है. वीडियो के द्वारा मैं आपको शो दिखा रहा हूँ. आप भी शो देखिए और इन्जॉय कीजिए. ये शो पूरे 1 घंटे 10 मिनट तक चलेगा. ख़त्म होने के बाद जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बाहर आते हैं और इनके साथ आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं. फ़ोटो खिंचवाने के लिए आपको 100 थाई बात पे करने होंगे. उसके बाद हम इवनिंग में निकल गए टर्मिनल 21 की मार्केट में, जो कि बहुत ही फेमस मार्केट है. यहाँ आप देख सकते हो ग्रिल क्रोकोडाइल भी मिल रहे हैं. सी फूड्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं. फ्रूट जूस हैं, फ्रेश मैंगोज़ हैं. काफ़ी स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं. आप देख सकते हैं काफ़ी सारे छोटे छोटे कियोस्क लगे हुए हैं और मैंगोज आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हैं. फ्रेश कोकोनट वाटर भी यहाँ पर मिल रहा है, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है. आप देख सकते हो यहीं पर फ्रेश आपको सभी तरह का जूस मिल जाएगा. ये देखिए अनार को इन्होंने कितने अच्छे तरीके से सजाया हुआ है. ये जो आप प्लेन देख रहे हो ये टर्मिनल 21 के नाम से यहाँ पे ये मार्केट फेमस है. यहाँ पर क्लोथिंग के भी ऑप्शंस हैं. आपको फैशनेबल क्लॉथ रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये
इन्होंने अजगर भी सेल के लिए रखा हुआ है। ये आप देख सकते हो कितने प्यारे रैबिट हैं, ये भी सेल के लिए हैं। यहाँ पर आप आकर काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शॉपिंग के भी यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, मेंस की कलरफुल शर्ट्स, गर्ल्स के कपड़े यहाँ पर बहुत ही अच्छे और रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। अब हम चल दिए हैं अपने होटल की ओर। अब मैं आपसे मिलूँगा अपने थाईलैंड के नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पर मैं आपको अपने आगे की थाईलैंड की जर्नी के बारे में बताऊँगा।